हे एवरीवन, आई एम प्राची भट्ट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी मैं किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्सचर पेस्ट और वॉल पुट्टी डो बनाती हूँ। ये जो मेथड है स्पेशली टेक्सचर पेस्ट का, वो मेरे लिए अच्छे से वर्क करता है। सो आई होप ये आपके लिए भी वर्क करे, और मैं इसमें आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं किस तरह वॉल पुट्टी डो बनाती हूँ। उसके लिए हमें वॉल पुट्टी चाहिए। आपको ये किसी भी हार्डवेयर स्टोर में मिल जाएगी। इसका कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, आपको बस थोड़ी सी वॉल पुट्टी प्लेट में लेनी है और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और उसका डो बनाना है। ध्यान रहे आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, और जब तक वॉल पुट्टी अच्छे से बाइंड ना होने लगे तब तक उसे अच्छे से मिक्स करते रहना है। वॉल पुट्टी डो जल्दी ड्राई होता है कंपेयर्ड टू एयर ड्राई क्ले, तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही बनाएं। अब आप देख सकते हैं वॉल पुट्टी अच्छे से बाइंड होने लगी है। अब हमें इसमें बिल्कुल पानी नहीं डालना है और इसे एक दो मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, ये क्ले की तरह सॉफ्ट और स्मूथ होते जाएगा। वॉल पुट्टी डो रेडी है। अब हम हाथों में हल्का सा ऑयल लगाकर इसे ऑयल से कोट कर लेंगे ताकि ये नॉन स्टिकी रहे, और इसे हमेशा ढककर ही रखना है। जितना पोर्शन यूज़ करना है उतना पोर्शन निकालेंगे, और एक्स्ट्रा डो को हमें ढककर रखना है क्योंकि ये जल्दी ड्राई हो जाता है। और हाँ, जितनी ज़रूरत हो उतना ही डो बनाएं। वॉल पुट्टी से मैंने एक वॉल हैंगिंग बनाया था जिसका क्लिप आप देख सकते हैं। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू टेक्सचर पेस्ट। टेक्सचर पेस्ट बनाने के लिए मैं यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में ही बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर 2 स्पून्स प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है। उसमें मैं अब 2 स्पून्स फेविकोल डालूँगी। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए हम कुछ ड्रॉप्स पानी डालेंगे। हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो प्रोजेक्ट पर टेक्सचर पेस्ट ड्राई होने के बाद उस पर क्रैक्स आ जाएंगे। हमें क्रैक्स नहीं चाहिए, हमें अच्छा सा टेक्सचर्ड बैकग्राउंड चाहिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में टेक्सचर पेस्ट बना रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 1 कप प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है और 1 कप फेविकॉल लिया है, तो उसमें 1 स्पून से ज़्यादा पानी ना डालें। मैं इस टेक्सचर पेस्ट को स्टेंसलिंग के लिए यूज़ करके दिखा रही हूँ, लेकिन मैं सेम टेक्सचर पेस्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने एक स्टेंसिल लिया है, उस पर हल्के हाथ से टेक्सचर पेस्ट को लगाना है। आप टेक्सचर पेस्ट की कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, ना ही बहुत फ्लोई लिक्विड है और ना ही बहुत ड्राई है। इसी तरह आपको टेक्सचर पेस्ट को हल्के हाथ से स्टेंसिल पर स्प्रेड करना है, और फिर धीरे से स्टेंसिल हटा ले और हमारा पैटर्न रेडी होगा। मैंने सेम टेक्सचर पेस्ट बैकग्राउंड बनाने के लिए भी यूज़ किया है अपने कुछ वीडियोस में। मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।